दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम वेब ऐप के बारे में बात करेंगे जिसमें आज हम सीखने वाले हैं चिल्ड्रन और चाइल्ड नोड्स। ये भी किसी भी HTML के जो एलिमेंट्स हैं उनको टारगेट करने का एक तरीका है। इससे आप जो होता है किसी भी पेरेंट जो भी एलिमेंट है उसके पेरेंट एलिमेंट्स के अकॉर्डिंग उसके जो चिल्ड्रंस हैं उनको आप टारगेट कर सकते हैं। बेसिकली जब भी आप इसको जो होता है इस्तेमाल करेंगे तो ये एक आपको HTML कलेक्शन प्रोवाइड करेगा। और HTML कलेक्शन क्या होता है दोस्तों, यदि आप गूगल ऐप स्क्रिप्ट वगैरह के बारे में थोड़ी सी जानकारी अगर आपको होगी, अगर आप गूगल सीट्स वगैरह में आपने काम किया होगा तो ज़रूर आपको ये सारी चीज़ें समझ में आई होंगी, क्योंकि वहाँ भी मैंने चीज़ों को अच्छे से समझाया हुआ है। तो वहाँ पर अगर आपने देखा होगा, जब भी हमें डेटा जो होता है बहुत ज़्यादा अगर मिलता है, पूरा एक A1 से B4 या A1 से A वगैरह में अगर हम डेटा को जो होता है टारगेट करते हैं, तो ऐसे में जो डेटा हमें मिलता है वो एक एरे फॉर्म में मिलता है। और एरे की हर एक वैल्यूज को गेट करने के लिए वहां पर हमें एरेज के जो मेथड्स हैं या फिर लूप वगैरह जो हमारे पास अवेलेबल हैं उसका इस्तेमाल करके उन सारी वैल्यूज को हम गेट करते हैं। उसी तरीके से यहाँ पर जो HTML कलेक्शन होता है वो भी एक एरेज की एरेज होता है, और उसकी आप जो होता है वैल्यूज को गेट करने के लिए लूप वगैरह का इस्तेमाल कर सकते हैं। और एरेज जो होता है वो एक इंडेक्सिंग के अंदर होता है। तो अगर आप जो होता है किसी भी पर्टिकुलर इंडेक्स पे अगर आप जो होता है किसी वैल्यू को गेट करना चाहते हैं तो उसके इंडेक्स नंबर को भी आप डाल करके उसमें आप जो भी HTML के जो भी आप प्रॉपर्टी वगैरह जो भी स्टाइल वगैरह अगर आप देना चाहते हैं या फिर कोई भी इवेंट वगैरह जो भी आप एक्टिविटी करना चाहते हैं वो आप कर सकते हैं। तो ये किस तरीके से हम अपने JavaScript में इसको इस्तेमाल करते हैं वो सारी चीज़ें आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ। दोस्तों, मेरा नाम है अमित और मैं आप सभी लोगों का स्वागत करता हूँ आपके अपने चैनल टेक ज्ञान अमित में। दोस्तों, वीडियो अच्छी लगेगी तो प्लीज़ मेरे वीडियोस को लाइक कर लीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन जरूर दबाइएगा। साथ ही साथ दोस्तों, यदि ये वीडियो मेरे फेसबुक पेज पर देख रहे हो तो उसे भी लाइक कीजिएगा। तो दोस्तों, विदाउट टाइम वेस्ट किए वीडियो को करता हूँ मैं स्टार्ट। तो दोस्तों, इसे समझने के लिए सीधे चलते हैं अपने एडिटर के अंदर। VS कोड एडिटर यहाँ पे मैंने ओपन कर लिया है और यहाँ पे मैंने इसको समझाने के लिए छोटा सा एक स्ट्रक्चर क्रिएट किया हुआ है। और यहाँ पे देखिए, ये आपका बॉयलर प्लेट है और इसके अंदर बॉडी के अंदर मैंने एक जो होता है डिप बनाया हुआ है जिसमें ID दी हुई, मैंने कंटेंट उसके अंदर जो होता है मैंने डिप का जो होता है इसमें एक डाला हुआ है टेक्स्ट यूजर मेन्यू। उसके बाद फिर मैंने UL लिया हुआ है, UL के अंदर देखिए ये LI है और यहाँ पर LI के बाद यहाँ पे अगर आप देख सकते हैं तो एक पैराग्राफ डाला हुआ है लॉरियम एक्सन का और उसकी ID दी हुई है पैरा। अगर आप यहाँ पर UL के अंदर भी आप इसमें कुछ ID वगैरह दे करके इसको भी अगर आप टारगेट करना चाहते हैं तो यहाँ पर UL पे एक ID दे दीजिए और यहाँ पे मैं दे लेता हूँ मेरा UL लिस्ट। आप यहाँ पे जो भी ID वगैरह देना चाहें तो आप यहाँ पे दे सकते हैं। और ये जब आप यहाँ पे करने के बाद अगर मैं अपने लाइव सर्वर पे इसको ओपन करता हूँ तो ये देखिए इसका जो व्यूज है वो कुछ इस तरीके का होगा। और यहाँ पर ये देखिए इसका व्यूज है, यूजर मेन्यू जो मैंने वहां पे लिखा हुआ था, जो UL के अंदर मैंने LI बना हुआ है वो कुछ इस तरीके से दिख रहा है। देन यहाँ पर आप देख सकते हैं लॉरियम मिशन का जो मैंने यहाँ पर टेक्स्ट डाला वो यहाँ पर नजर आ रहा है। अब यहाँ पर देखिए क्या होता है कि जैसे जो चिल्ड्रंस होते हैं, ये चिल्ड्रन बेसिकली क्या होते हैं, जो भी पेरेंट्स होते हैं उन्हीं के चिल्ड्रन होते हैं। तो यहाँ पर आप पेरेंट्स को टारगेट करके उनके चिल्ड्रंस को आप जो होता है फाइंड आउट कर सकते हैं। तो कैसे करेंगे आप इसको देखिए, यहाँ पर मैं बॉडी टैग के अंदर, यहाँ पे देखिए बॉडी की क्लोजिंग हो रही है, यहाँ पर मैं स्क्रिप्ट टैग अपना बना लेता हूँ। स्क्रिप्ट यहाँ पे मैंने डाला और यहाँ पे ओपनिंग क्लोजिंग कर दी और उसके बाद यहाँ पे आप देखिए तो यहाँ पर हमें अगर टारगेट करना है तो जैसे यह देखिए बॉडी यहाँ डिप टैग है, डिप पर जैसे मैंने कर्सर डाला तो डिप की जो क्लोजिंग है वो आप यहाँ पे देख रहे हैं। तो जो डिप की यहाँ पे क्लोजिंग हो रही है तो इस डिप के अंदर ही मैंने यहाँ पर एक देखिए UL बनाया हुआ है और यहाँ पे मैंने पैराग्राफ बनाया हुआ है। तो इसी जो कुछ भी है तो ये जो यहाँ पर आप HTML के इनपुट यहाँ पे टैग देख रहे हैं ये बेसिकली जो होता है इसी डिप के अंदर है, मतलब ये जो होता है ये जो UL और ये पैराग्राफ है ये बेसिकली क्या है, इसी के इस डिप के चिल्ड्रन है। तो आप जो होता है यहाँ पर चिल्ड्रन को आप तभी यूज कर पाओगे, आप पेरेंट को टारगेट करके उनके चिल्ड्रन को देख सकते हैं। तो यहाँ पे पेरेंट कौन सा है, ये हमारा डिप है। तो डिप को सबसे पहले हम यहाँ पे टारगेट कर लेते हैं। डिप को टारगेट करने के लिए किसी भी HTML टैग को टारगेट करने के लिए मैंने बहुत सारी जो होता है तरीके बताया हुआ है, आप उनमें से किसी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर ID दी हुई है तो उसके लिए मैं जो मेथड है हमारे पास गेट एलिमेंट बाई ID या क्वेरी सेलेक्टर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं और यहाँ पर हैज और वो जो ID है वो आप यहाँ पे डाल सकते हैं। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ मेन डिव नाम का एक मैं वेरिएबल बनाता हूँ और यहाँ पर इसके लिए मैं यहाँ पे डॉक्यूमेंट डॉट
और यहाँ पर दूसरा जो मेथड है एलिमेंट बाई आईडी। और गेट एलिमेंट बाई आईडी में आपको हैश लगाने की ज़रूरत नहीं है, आप डायरेक्टली जो होता है वो आईडी यहाँ पे आप पास कर सकते हैं। लेकिन अगर आप क्वेरी सिलेक्टर का इस्तेमाल करेंगे तो जो भी आईडी होगी उसके पहले अगर आपने यहाँ पर आपको उसका हैश लगाना पड़ेगा, क्योंकि आईडी को हम हैश के साथ यूज़ करते हैं, मतलब हैश अगर लगाते हैं तो वो आईडी होता है। अब यहाँ पर जैसे ही मैंने यहाँ पर मेन डिव को जो होता है टारगेट किया, तो उसके अगर मुझे चिल्ड्रंस को चेक करना है तो यहाँ पर जो मेथड आता है हमारे पास चिल्ड्रन, अगर मैं यहाँ पे इस्तेमाल करूँ, मैं कंसोल लगा करके आपको एक बार दिखाऊँ, कंसोल डॉट लॉग, और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ मेन डिव, ठीक है, यहाँ पर आपका काम हो गया। अब इसको एक बार मैं सेव करता हूँ तो आपको ये चीज़ यहाँ पे पता चलेगा कि यहाँ पे मेन डिव के अंदर एक्चुअली आ क्या रहा है, क्या इसके जो होते हैं मेन डिव के कौन कौन से चाइल्ड हैं वो आपको यहाँ पे पता चल जाएगा। उसके बाद मैं कंसोल पे क्लिक करता हूँ तो देखिए रेफरेंस एरर आ रहा है, मेन डिव इज़ नॉट डिफाइंड। और मैं जस्ट यहाँ पे चलता हूँ, एक बार यहाँ पे देख लेते हैं कि कहाँ हमने थोड़ी सी मिस्टेक कर दी। और यहाँ पे देखिए मेन, और यहाँ पे लिख दिया डेव, और यहाँ पे स्पेलिंग की हो गई मिस्टेक, और यहाँ पे हमें लिखना था मेन डेव, और मैंने सेव किया और वापस अपने यहाँ पे टैग पर आ गया। देखिए ये अनडिफाइंड आ रहा है, और यहाँ पे क्यों आ रहा है अनडिफाइंड ये भी हम एक बार देख लेते हैं। और यहाँ पे देखिए मेरी यहाँ पे भी मिस्टेक है, क्योंकि यहाँ पे लिखना है मुझे चिल्ड्रन, एक बार स्पेलिंग इसको भी देख लेता हूँ, और ये चिल्ड्रन, यस बिल्कुल ठीक है। मैं वापस से चल के देखता हूँ, और ये देखिए HTML कलेक्शन के अंदर आपको यहाँ पे सारी चीज़ें मिल चुकी हैं। और यहाँ पे ये देखिए HTML कलेक्शन में आपका जो भी है जीरो नंबर पर आपका UL आ रहा है, और ये जो होता है यहाँ पे फर्स्ट नंबर पे यहाँ पे पैरा पी जो जो है पैराग्राफ उसकी आईडी यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि यहाँ पे दो ही इंडेक्सिंग आ रही है, एक आ रहा है जीरो, जीरो पर आपका यूएल है, और यहाँ पर वन नंबर इंडेक्सिंग पे आपका पैराग्राफ है। अगर आप जो होता है यहाँ पर किसी भी पर्टिकुलर एक इंडेक्स पर जाकर के कुछ अगर आप करना चाहते हैं, जैसे मैं पैराग्राफ में जाऊँ और वहाँ पर जो होता है उसकी जो होता है टेक्स्ट वगैरह या कुछ भी स्टाइलिंग वगैरह करना चाहता हूँ, तो वो सारी चीज़ें मैं कर सकता हूँ। तो उसके लिए मैं यहाँ पर जाऊँगा, और चिल्ड्रंस जैसे ही यहाँ पर मिला तो यहाँ पर ये जो चिल्ड्रन है ये बेसिकली HTML कलेक्शन है, और आप अगर एक एक करके अगर इनको टारगेट करना चाहते हैं तो उसके लिए आप लूप का इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन अगर आप कोई पर्टिकुलर इंडेक्सिंग पर कुछ चीज़ें करना चाहते हैं, जैसे कि मुझे पैराग्राफ जो है जो कि हमारा सेकेंड इंडेक्सिंग पर है, तो अगर मैं उसमें कुछ जो स्टाइलिंग वगैरह करना चाहता हूँ तो वो भी मैं कर सकता हूँ। तो यहाँ पे मुझे क्या करना पड़ेगा, जो हमारा मेन डिव है, क्योंकि मेन डिव के अंदर हमारा HTML कलेक्शन जो होता है आ रहा है, तो उसको हमने एक वेरिएबल के अंदर स्टोर कर लिया, और जो पैराग्राफ है उसकी इंडेक्सिंग यहाँ पे 1 है। और मैं इसके अंदर अगर मैं कुछ स्टाइल वगैरह करना चाहता हूँ तो उसके लिए मेरे पास जो मेथड है जावास्क्रिप्ट में वो है डॉट स्टाइल। उसके बाद यहाँ पे आप जो करना चाहते हैं उसके प्रॉपर्टी का नेम देंगे, जैसे मैं इसका कलर को चेंज करना चाहता हूँ, और यहाँ पर मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ उसका कलर रेड। आप जो भी करना चाहें वो आप यहाँ पर कर सकते हैं, और यहाँ पर आप जाते ही देखिए इसका जो कलर है टेक्स्ट का वो यहाँ पर चेंज हो चुका है। इसी तरीके से यदि आप यहाँ पे देखें यूएल है, यूएल के अंदर बहुत सारे एलआईज आ रहे हैं। अगर आप जो होता है यूएल को टारगेट करके अगर आप देखना चाहते हैं कि इस यूएल के अंदर कितने एलआई आ रहे हैं, तो बेसिकली ये यूएल क्या है, यूएल के अंदर ही सारे एलआईज हैं, तो ये जो यूएल है इन एलआई का पेरेंट है। तो पेरेंट को आप टारगेट करके इसके चिल्ड्रंस में जो होता है चिल्ड्रन मेथड का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैं कुछ नहीं करूँगा, यहाँ पर सिंपली ये जो अभी हमने जस्ट ऊपर लिखा हुआ है इसी को मैं कॉपी करूँगा, और जस्ट मैं आपको यहाँ पर नीचे एक बार डाल देता हूँ। और यहाँ पर जो अभी आईडी है इसको हम चेंज कर लेते हैं, और यहाँ पे मैं कंटेंट की जगह यहाँ पर जो उसकी आईडी है यूएल की वो मैं डाल देता हूँ। और मैं यहाँ पर अगर मैं एक बार इसको कंसोल करके आपको दिखाऊँ तो आप यहाँ पे देखिए आपको क्या आउटपुट देखने को मिलता है। और मेन डिव एक्चुअली हमने पहले ही डिफाइन किया हुआ है, तो मैं इसको जो होता है दोबारा से ऑन कर लेता हूँ। तो मेन डिव ऑलरेडी यहाँ पे डिफाइन है, तो मैं यहाँ पे चेंज कर देता हूँ, और मैं कर देता हूँ यूएल लिस्ट को मैं जस्ट नीचे भी अपने कंसोल के अंदर डाल देता हूँ यूएल लिस्ट, और मैं यहाँ पे सेव करता हूँ। तो जितने भी हमारे पास एलआईज हैं उसकी जो होता है इंडेक्सिंग हमें देखने को मिल जाएगी। देखिए एलआई एलआई एलआई, और यहाँ पे 4 बार एलआई है, तो उसकी जो HTML कलेक्शन में जो जो हमें लिस्ट मिल रही है वो 0, 1, 2, 3, मतलब 4 बार हमारे पास एलाइज हैं, ये आप देख सकते हैं। जैसे जैसे मैं कर्सर को ऊपर नीचे कर रहा हूँ तो यहाँ पर भी चीज़ें चेंज हो रही हैं, देखिए यहाँ पर भी आ रही है। तो यहाँ पर किसी भी एलआई की जो इंडेक्सिंग है, जैसे यहाँ पर जो होता है यहाँ पे जो वन नंबर की जो एलआई है वहाँ पर अगर आप कुछ जो होता है करना चाहते हैं तो वो भी आप कर सकते हैं। यहाँ पर बस सत्य आपको सिर्फ वहाँ पर उसकी इंडेक्सिंग डालनी है। तो यहाँ पर आपको यूएल लिस्ट
यू विल लिस्ट डॉट स्टाइल स्टाइल डॉट, यहाँ पे मैं फॉन्ट फॉन्ट साइज में अगर यहाँ पे डालना चाहता हूँ तो वो भी मैं यहाँ पे डाल सकता हूँ फॉन्ट साइज, और मैं इसका जो फॉन्ट साइज है वो मैं कर देता हूँ 20 पिक्सल, या फिर फॉन्ट यहाँ वेट, फॉन्ट वेट मैं डाल देता हूँ, फॉन्ट वेट इज इक्वल टू मैं कर देता हूँ बोल्ड, फॉन्ट वेट बोल्ड। तो यहां पर देखिए ये कैन नॉट रीड फ्रॉम फॉन्ट वेट, और यहां पर हम देख लेते हैं इसका जो प्रॉपर्टी है फॉन्ट वेट की, यहां पे हमें क्या देना है, फॉन्ट वेट की जगह फॉन्ट वेट, और मैं इसके पास सेव करके चेक कर लेता हूँ, और अभी भी ये एरर सेम ही है क्योंकि फॉन्ट वेट नाम का ऐसा कोई मेथड यहाँ पे देखने को नहीं मिल रहा है। तो कोई बात नहीं, मैं वापस से चलता हूँ और यहाँ पर मैं एक स्टाइल नाम का टैग लगाता हूँ और उसके अंदर मुझे पता चल जाएगा कि यहाँ पर एक्चुअली किस तरीके से लिखा जाता है। तो यहाँ हमने लिख दिया स्टाइल, और स्टाइल के अंदर हम यहाँ पर लिख देंगे कोई भी पैराग्राफ डाल देते, जैसे कि मेरे पास कंटेंट नाम का पैरा वो आईडी है, मैं यहाँ लिख दूंगा कंटेंट, और कंटेंट के अंदर मैं जस्ट नीचे जाऊंगा और यहाँ लिखूंगा फॉन्ट, और यहाँ देखिए फॉन्ट वेट नाम का यहाँ पर ऑप्शन मिल रहा है ना यहाँ पे आपको देख रहे हैं, लेकिन ये जावास्क्रिप्ट में कुछ इस तरीके से नहीं लिखे जाते। तो जावास्क्रिप्ट में किस तरीके से लिखे जाएंगे वो हम अभी जस्ट यहाँ पे एक बार डाल के यहाँ चेक कर लेते हैं, और मैं इसको कमेंट कर देता हूँ। तो यहाँ पे आप देखिए कि ये जो फॉन्ट वेट हमने किया हुआ है, और फॉन्ट वेट वेट में आई थिंक मुझे इसका जो फॉन्ट वेट होगा फॉन्ट वेट, और यहाँ पे देखिए एरर आ रहा है, फॉन्ट वेट मैं कर दूंगा 25 पिक्स, और अभी भी यहाँ पे ये देख रहे हैं आप जो था हाइफन वगैरह लगाने के लिए मतलब यहाँ पे प्रॉब्लम कर रहा है फॉन्ट वेट, अगर मैं ऐसे करूँगा तो ये ठीक तो आ रहा है, लेकिन यहाँ पर फॉन्ट वेट को जो होता है ये एरर थ्रू कर रहा है। तो एक काम कर लेते हैं, यहाँ सिंपल से चलते हैं और यहाँ पर थोड़ा सा अपना गूगल कर लेते हैं। तो यहाँ पे फॉन्ट वेट इन जावास्क्रिप्ट ये लिख देते हैं, देखते हैं क्या बताता है हमें। फॉन्ट वेट इन जावास्क्रिप्ट यहाँ लिखने पर एस्टिमेट डॉम स्टाइल जो होता है फॉन्ट वेट, तो यहाँ पे आप देख रहे हैं डेमो डॉट स्टाइल डॉट फॉन्ट वेट इज इक्वल टू 900 यहाँ पे दिया हुआ है। तो यहाँ पे फॉन्ट वेट आपका सही है, लेकिन यहाँ पे जो पिक्सल्स हम दे रहे हैं वो हमें देने की ज़रूरत नहीं है। तो स्टाइल डॉट फॉन्ट वेट हमने यहाँ पे बिल्कुल किया हुआ है, और वापस से चलते हैं और यूटिलिटीज़ में जस्ट यहाँ पर देखिए हमारा ही प्रॉब्लम है, 25 पिक्सल हमने बिल्कुल सही दिया हुआ है। लेकिन जब आप एक चीज़ यहाँ पे देखिए कि जब हम चिल्ड्रंस का इस्तेमाल करते हैं तो ये हमें एक HTML कलेक्शन प्रोवाइड करता है। तो HTML कलेक्शन में हमारे पास जो होता है लिस्ट ऑफ जो होता है HTML होता है, तो यहाँ पे अगर आप किस इंडेक्सिंग पे ये चीज़ें आपको देनी है वहाँ पे आपको इंडेक्स यहाँ पे प्रोवाइड करना होता है। तो यहाँ पर इंडेक्सिंग में जैसे कि मैंने आपको बताया था फर्स्ट नंबर का जो LI है वहाँ पर हमें ये चीज़ें प्रोवाइड करनी है। तो फॉन्ट वेट यहाँ पर आपको देने के बाद 25 पिक्सल आपने दे दिया है, इसको एक बार सेव कर लेते हैं, वापस से चलते हैं अपने डॉम के अंदर और यहाँ डॉक्यूमेंट्स में चलते हैं, और यहाँ पे देखिए कोई भी प्रॉब्लम नहीं आया और अभी ये बिल्कुल ठीक हो चुका है। तो मैं यहाँ पर 25 पिक्सल की जगह पे जैसे कि वहाँ पे दिया हुआ था सीधे मैं यहाँ पे कर देता हूँ 700, और मैं यहाँ सेव करके एक बार चेक करता हूँ तो देखिए यहाँ पे ये बोल्ड हो चुका है अबाउट। तो यहाँ पर आप एक चीज़ देख रहे हैं कि इस तरीके से हमने यहाँ पर कोई भी HTML के जो भी पेरेंट हैं पेरेंट को टारगेट करके उसके चिल्ड्रन पर जो भी करना चाहें हम कर सकते हैं। और यहाँ पर आपको एक चीज़ मैंने आपको ये समझा दिया है कि आपको जब भी आप ऐसा कोई भी HTML का जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो डालते हैं जो कि दो टेक्स्ट मिलकर बना हुआ है, तो जिस तरीके से हम अपने स्टाइल टैग के अंदर लिखते हैं जैसे यहाँ पर अभी आपने देखा कि फॉन्ट वेट मैं लिख रहा था,
और फॉन्ट विड्थ में अगर हाइफन जो स्टाइल में अगर आप यूज़ करते हैं स्टाइल प्रॉपर्टीज जो कि हम सीधे स्टाइल के अंदर लिखते हैं तो वहाँ पे हाइफन आ जाता है, लेकिन यहाँ पर अगर आप जावास्क्रिप्ट के थ्रू लिख रहे हैं तो वहाँ पे आपको स्टाइल वगैरह लिखने के मतलब हाइफन नहीं डालना है और डायरेक्टली आपको दो जो टेक्स्ट है उनको एक साथ लिखना है और यहाँ पर अपना वो जो भी आपकी नेक्स्ट जो भी पिक्सल्स वगैरह देने हैं वो आप दे सकते हो। अब एक चीज़ आपको और मैं बताता हूँ, जैसे कि अभी तो मैंने आपको समझाया था चिल्ड्रन के बारे में, अगर आप चिल्ड्रन के अलावा जो होता है चाइल्ड नोट का इस्तेमाल करते हैं तो वो भी आपको सेम आउटपुट देगा, लेकिन यहाँ पर एक चीज़ होता है कि जैसे अगर आपने जो होता है आप कोई भी एचटीएमएल वगैरह लिख रहे हैं तो वहाँ पर अगर कोई स्पेस अगर आप जैसे कोई स्पेस वगैरह अपने सिस्टम से प्रोवाइड कर रहे हैं या फिर कोई टेक्स्ट नोट वगैरह आप डाल रहे हो कमेंट डाल रहे हो तो वो सारी चीज़ें भी उसके अंदर आ जाती हैं। जैसे मैं जस्ट इसी को ऊपर वाले को ही टारगेट करता हूँ, यहाँ लिख देता हूँ चाइल्ड नोट्स, तो ये भी एक HTML कलेक्शन हमें प्रोवाइड करेगा। और मैं अभी जो जस्ट ऊपर में है इसके स्टाइल को यहाँ से हटाता हूँ और मेन डिव को कंसोल में कर लेता हूँ। मेन डिव और मैं यहाँ पे सेव करूँगा और जस्ट मैं आपको एक बार आपको दिखाता हूँ ये हमें आउटपुट में देखने को क्या देगा। इंस्पेक्ट किया और यहाँ पे कंसोल में चल के दिखाऊँ तो ये देखिए कंसोल की स्पेलिंग यहाँ मिस्टेक हो रही है। मैं चलता हूँ वापस से अपने और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ एस, यहाँ पे छूटा हुआ कंसोल डॉट लॉग। और ये देखिए नोड लिस्ट में आपको जो होता है यहाँ पे 5 आ रहे हैं, कैसे आ रहा है ये मैं आपको दिखा देता हूँ। तो सबसे पहले देखिए 0 नंबर इंडेक्सिंग पर आपने टेक्स्ट दिया हुआ है, ये है यूज़र मेन्यू। अगर मैं यहाँ पे देखिए कर्सर लेके जा रहा हूँ तो यहाँ पे ये जो यूज़र मेन्यू होगा ये हाईलाइट होगा, देखिए यहाँ पे यूजर मेनू, देन यहाँ पे यूएल लिस्ट है, देन टेक्स्ट है, फिर पैराग्राफ है, देन यहाँ पे फिर से टेक्स्ट है। अगर आप यहाँ पे कोई कमेंट नोड वगैरह भी कमेंट भी कर देंगे तो वो भी यहाँ पर इंक्लूड हो जाएगा। तो अगर मैं जस्ट यहाँ नीचे जाऊँ यूएल के नीचे मैं एक कमेंट क्रिएट कर दूँ दिस इज ए टेक्स्ट, ये मैं डालता हूँ और मैं इसको जो है सेलेक्ट करके और मैं इस कमेंट कर देता हूँ। देखिए ये कमेंट हो चुका है, मैं इसको सेव करता हूँ तो यहाँ पे अभी देखिए ये यहाँ पे 7 हो चुका है और यहाँ पे अगर आप चलोगे तो ये देखिए 6 नंबर पे ये कमेंट आपको तो नहीं दिख रहा है और यहाँ पे ये देखिए लेकिन 3rd नंबर इंडेक्सिंग पे आपको यहाँ दिख रहा है कमेंट। अगर आप इस पर क्लिक करोगे तो यहाँ पर उसका अगर डेटा भी देखना चाहोगे तो यहाँ पर नोड नेम में तो ये कमेंट ही आ रहा है, नोड सिबलिंग के अंदर यहाँ पे ये टेक्स्ट आ रहा है, अगर आप डेटा देखोगे तो ये देखिए दिस इज ए टेक्स्ट यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है। तो आप जो होता है जो चिल्ड्रंस हैं और जो चाइल्ड नोड्स हैं वो किस तरीके से इस्तेमाल किया जाता है जावास्क्रिप्ट में और किसी भी एचटीएमएल के जो पेरेंट हैं उनके पेरेंट से को टारगेट करके चिल्ड्रन को कैसे हम टारगेट करते हैं तो उसका इस्तेमाल आपने यहाँ पे देखा। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।